माननीय झालसा राज्य व जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह सचिव महोदय के आदेश अनुसार आज सदर अस्पताल गिरिडीह में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इस अवसर पर तंबाकू के दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक किया गया, साथ ही नशा युक्त पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान इत्यादि के बारे में उपस्थित लोगों को बताया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सदर अस्पताल के पैनल अधिवक्ता मीरा कुमारी के द्वारा किया गया। सदर अस्पताल की पैनल अधिवक्ता मीरा कुमारी ने बताया कि तंबाकू के सेवन मात्र से कई प्रकार की गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती है, जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को भी यह जन्म देती है। तंबाकू प्रोडक्ट की खरीद बिक्री पर भी रोक है, इसके लिए सरकार ने जुर्माना व सजा तक का प्रावधान किया है। आज के इस कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता सुनीता शर्मा, पीएलबी सुनील कुमार, रंजना सिन्हा, शालिनी प्रिया, सुनीता कुमारी एवं सदर अस्पताल के कर्मी और मरीजों की उपस्थिति रही। आज पूरे विश्व में विश्व तंबाकू निषेध कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज हम लोग सदर अस्पताल में जो विधिक सहायता केंद्र यहाँ पे संचालित है, उसके तहत भी हम लोगों ने तंबाकू निषेध कार्यक्रम किया, जिसमें जो उपस्थित जो लोग यहाँ पे थे, जो पेशेंट भी आए थे, उनको हम लोगों ने नशा मुक्ति के बारे में जानकारी दी कि नशा से किस तरह कोई परिवार बर्बाद होता है या फिर किसी का जीवन किस तरह बर्बाद हो जाता है, उसको लेकर हम लोगों ने उनको जागरूक किया और उन लोगों से आग्रह किया कि आप लोग नशा ना करें। आपके आस पड़ोस में भी अगर कोई नशा कर रहा हो तो उनको मना करें, जैसे कि शराब या फिर सिगरेट, तंबाकू, ये सब सारे नशा उन्हें मुक्त रहे। अगर आस पड़ोस में भी इस तरह का है तो हम लोगों को भी बोले, हम लोग भी प्रयास करेंगे कि लोग इस तरह का ना करें।